प्रेजेंटिंग सिविल गुरुजी ऐप अवेलेबल इन गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड नाउ। तो FSI इक्वल्स टू ग्राउंड फ्लोर प्लस फर्स्ट फ्लोर प्लस सेकंड फ्लोर, दैट इज 3000 स्क्वायर फीट। अगर मैं डिवाइड करता हूं इसको 2000 स्क्वायर फीट से, तो यहां पर हमारा कितना निकल के आ गया, 1.5। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पंकज मीना, एस्टीमेशन एंड प्लानिंग इंजीनियर, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल सिविल गुरुजी, द सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्लोर स्पेस इंडेक्स के बारे में। आप सभी लोगों को ये बहुत कन्फ्यूजन रहा होगा कि अगर आपका कोई 1000 स्क्वायर फीट का अगर कोई प्लॉट है, आपका 10000 स्क्वायर फीट का अगर आपका कोई प्लॉट है, तो आप उस पर कितने स्टोरी तक कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, आप कहां तक के उस कंस्ट्रक्शन को जाते हैं, ये सारी चीज डिसाइड करता है हमारा FSI, जो होता है फ्लोर स्पेस इंडेक्स। इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में बात करने वाले हैं कि ये फ्लोर स्पेस इंडेक्स क्या होता है, इसका कैसे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं और किस तरीके से, क्या क्या इसके क्राइटेरियाज हैं, FSI और FAR जो होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है, इस सभी चीजों के बारे में हम आज इसी वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो बने रहिए दोस्तों अंत तक के इस वीडियो में। तो बात करें हम इसके डेफिनेशन की, तो बेसिकली इट इज द रेशियो ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द फ्लोर टू द टोटल एरिया ऑफ द प्लॉट ऑन विच द बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड। मतलब कि इसको आसान भाषा में ऐसे समझिए, जितने भी हमारे फ्लोर्स बने हुए हैं, ग्राउंड फ्लोर हो गया, फर्स्ट फ्लोर हो गया, सेकंड फ्लोर हो गया, थर्ड फ्लोर हो गया, इन सभी को अगर मैं ऐड करूं और डिवाइड कर दूं इनके टोटल प्लॉट के एरिए से, तो यहां पर निकल के आएगा हमारा फ्लोर स्पेस इंडेक्स। और इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है वो आता है FSI इक्वल्स टू टोटल एरिया ऑफ द फ्लोर्स डिवाइडेड बाय टोटल एरिया ऑफ द प्लॉट। इसको हम और अच्छे से एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, एक मेरा फॉर एग्जांपल 2000 स्क्वायर फीट का अगर कोई प्लॉट है, वहां पर मैंने ग्राउंड फ्लोर बनाया 1000 स्क्वायर फीट का, फर्स्ट फ्लोर बनाया वहां पर 1000 स्क्वायर फीट का और सेकंड फ्लोर को बनाया 1000 स्क्वायर फीट का, तो यहां पर FSI के फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो FSI इक्वल्स टू ग्राउंड फ्लोर प्लस फर्स्ट फ्लोर प्लस सेकंड फ्लोर, दैट इज 3000 स्क्वायर फीट। अगर मैं डिवाइड करता हूं इसको 2000 स्क्वायर फीट से, तो यहां पर हमारा कितना निकल के आ गया, 1.5। तो हमें यह पता चला कि FSI को हम किस तरीके से हमारे प्लॉट के अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों, जो हमारा फ्लोर स्पेस इंडेक्स होता है, जो अभी 1.5 आपने देखा एग्जांपल में निकल करके आया, इसको कभी भी हमें कैलकुलेट नहीं करना होता है, ये फिक्स कर दिया जाता है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, जो हमारा अर्बन प्लानिंग डिवीजन होता है उसके द्वारा इसको फिक्स कर दिया जाता है, जो अर्बन प्लानिंग डिपार्टमेंट होता है, कि कितने कौन से शहर का कितना इसका FSI रहेगा। तो अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, कुछ इंडिया के कुछ मेजर सिटीज का अगर मैं बात करूं, जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं जो FSI इनका दिया हुआ है, मोस्टली अगर मैं देखूं तो ये 1 से लेकर 4 के बीच में, ये 1 से लेकर 4 के बीच में, ये जो इंफॉर्मेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप नोटबुक लेके इसको पॉज करिए वीडियो को और अभी इसको नोट डाउन कीजिए, क्योंकि अगर आप किसी भी शहर में से रह रहे हैं, कहीं भी आप इसमें रह रहे हैं, तो आपके ये चीज बहुत काम आने वाली है। सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अब पहुंच चुका है आपके अपने शहर भिलाई, नागपुर, भोपाल, लखनऊ, दिल्ली और अब पटना में भी, एक खास ऑफर के साथ। पे कीजिए 60% फीस आफ्टर योर प्लेसमेंट। अभी कॉल करिए 9111001234 पर, सीट्स लिमिटेड है, जल्दी कीजिए। तो दोस्तों, आगे बात करते हैं और अच्छे से इसको हम समझते हैं कि अगर हमारा FSI 0.5 है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पर एक बिल्डिंग है जिसका FSI 0.5 है, और सपोज मेरा जो प्लॉट का एरिया है वो है 10000 स्क्वायर फीट, 10000 स्क्वायर फीट का 50%, मतलब कि 5000 स्क्वायर फीट मैं यहां पर जो टोटल कवर्ड एरिया जो कंस्ट्रक्ट कर सकता हूं, वो मैं कर सकता हूं 5000 स्क्वायर फीट। अब जैसे कि एक केस आप देख रहे हैं यहां पर, इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने एक ही बार में 5000 स्क्वायर फीट को ग्राउंड फ्लोर पर ही बना दिया है। इसी के बाजू में आप देख रहे हैं दूसरा केस, इसको मैं ऐसे भी बना सकता हूं, यहां पर 0.5 का ही FSI है, लेकिन यहां पर मैंने क्या किया, 10000 स्क्वायर फीट का जो प्लॉट था उसमें 0.5 का जो FSI था उसमें 5000 स्क्वायर फीट का मेरे को कंस्ट्रक्शन करना था। तो यहां पर या तो मैं ग्राउंड फ्लोर को ही बना सकता हूं 5000 स्क्वायर फीट, या फिर मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर मैं इसको 2500 स्क्वायर फीट ग्राउंड फ्लोर पर बना दूं और 2500 स्क्वायर फीट इसको फर्स्ट फ्लोर पर बना दूं। तो यह हमने बात की पहले केस की, इस FSI के बारे में। अब हम बढ़ते हैं अगले केस की ओर। जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पर इसका जो दूसरा केस है, यहां पर FSI कर दिया गया है 1। अब यहां पर सपोज फॉर एग्जांपल 10000 स्क्वायर फीट का मेरा प्लॉट है, 10000 स्क्वायर फीट का ही मैं कवर्ड एरिया उसको कवर कर सकता हूं, उसको कंस्ट्रक्ट कर सकता हूं। तो जैसे इसको मैं 10000 स्क्वायर फीट को कैसे-कैसे कर सकता हूं, फॉर एग्जांपल हो सकता है मैं इसको ग्राउंड पर ही बना दूं 10000 स्क्वायर फीट, कोई ओपन स्पेस ना छोड़ूं, उस हिसाब से बना दूं मैं इसको, और इसको मैं ऐसा भी बना सकता हूं कि मैं यहां पर 5000 स्क्वायर फीट करके बना दूं।
या फिर 2500 स्क्वायर फीट के ग्राउंड फ्लोर G+3 करके, ग्राउंड फ्लोर प्लस फर्स्ट फ्लोर प्लस सेकंड फ्लोर प्लस थर्ड फ्लोर करके कोई भी बिल्डिंग बना सकता हूं। या फिर अगर मैं बात करूं यहां पर, अगर मेरा FSI हो जाता है 2.0 का और 10,000 स्क्वायर फीट का अगर मेरा प्लॉट है, तो यहां पर जो मैं कंस्ट्रक्शन कर सकता हूं, फ्लोर स्पेस इंडेक्स जो है वो 2.0 का है, तो यहां पर मैं जो कंस्ट्रक्शन करूंगा वो क्या करूंगा, 20,000 स्क्वायर फीट का यहां पर मैं कंस्ट्रक्शन कर सकता हूं। अब 20,000 स्क्वायर फीट कैसे कर सकता हूं, या तो मैं 10,000 स्क्वायर फीट ग्राउंड फ्लोर पर बना दूं और 10,000 स्क्वायर फीट फर्स्ट फ्लोर पर बना दूं, या फिर मैं 5,000 स्क्वायर फीट के उसमें उसको डिवाइड करके G+3 की बिल्डिंग बना सकता हूं, या फिर मैं उसको 2500 स्क्वायर फीट के स्लैब पे ऐसे करके कंस्ट्रक्शन करता हूं। और आप देखना इस एग्जांपल से, आई होप कि ये सारी चीजें आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि हम कब कितना कंस्ट्रक्शन वर्टिकली कर सकते हैं, कितना कंस्ट्रक्शन हॉरिजॉन्टली कर सकते हैं और कितना हमें स्पेस छोड़ना है। तो इसके लिए कुछ जोनिंग एंड रेगुलेशन है, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है वो तो FSI खुद है, कि FSI अगर 2 है तो आपको 10,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है तो आप उसको 20,000 स्क्वायर फीट के हिसाब से बना सकते हो। दूसरी चीज जो हम बात करते हैं वो है सेटबैक, मतलब मेरे को पीछे या आगे जो है कितनी जगह छोड़ना है, मेरे को पीछे स्पेस कितना छोड़ना है, ओपन कितना रखना है, वो भी वहां पर फिक्स कर दिया जाता है। तीसरी चीज हम बात करते हैं ग्राउंड कवरेज की, कि मतलब मेरा जो प्लॉट है जिस पर मेरा कंस्ट्रक्शन हो रहा है उस पर कितना ग्राउंड कवर हो रहा है, उस पर भी ये चीज डिपेंड करती है। फिर हम बात करते हैं इसके अगले पार्किंग के बारे में, तो पार्किंग के लिए भी हमें जगह देनी होती है, उसके लिए भी हम वहां पर ओपन स्पेस छोड़ते हैं। अगले पॉइंट की हम बात करें तो हाइट रेस्ट्रिक्शंस की, तो कई शहरों में हाइट रेस्ट्रिक्शंस कर दिए जाते हैं कि इससे ज्यादा का, इस हाइट से ज्यादा का आप कंस्ट्रक्शन जो है नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं उन फैक्टर्स की जो FSI जो है हमारा फ्लोर स्पेस इंडेक्स है उसको अफेक्ट करते हैं। तो ये जो फैक्टर्स हैं उसमें जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो निकल करके आता है वो है करंट पॉपुलेशन ऑफ द सिटी। मतलब अगर मैं बात करूं मुंबई की, वहां पर जो पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा है और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज्यादा बन चुका है, तो वहां पर जो FSI रहेगा, जो FSI वहां पर रहेगा वो रहेगा 4 के आसपास, एरिया पे डिपेंड करेगा, जैसे 1 से लेके 4 तक ही आ रहा था, तो 4 के आसपास ये रहेगा। क्यों? क्योंकि उनको जो करना है वर्टिकल कंस्ट्रक्शन वहां पर करना है, क्योंकि उनके पास लैंड वहां पर अवेलेबल इतना ज्यादा नहीं है, तो इसलिए वो क्या प्रमोट करते हैं कि उनको वर्टिकल कंस्ट्रक्शंस करने हैं। बात करूं मैं कोई ऐसा शहर है जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है, तो वहां पर जो हम प्रेफर करते हैं वो क्या करते हैं, उसका हॉरिजॉन्टल इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट को प्रेफर करते हैं। तो अगर मेरा 5,000 स्क्वायर फीट का कोई प्लॉट है तो वहां का अगर FSI 1.0 है तो मेरे को 5,000 स्क्वायर फीट का ही परमिशन मिल जाएगा कि वहां पर मैं पूरा कंस्ट्रक्शन ग्राउंड पर ही कर सकता हूं। और वहीं मैं बात करूं जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा होगी, जहां पर मेरा ग्रोथ ज्यादा होगा, वहां पर मुझे वर्टिकल मूवमेंट करना होगा, मतलब ग्राउंड पर मेरे को ज्यादा जगह नहीं मिलेगी लेकिन वर्टिकल मतलब आसमानों की तरफ में जो है ज्यादा वहां पर बढ़ सकता हूं। दूसरी हम बात करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ की, तो ये जो FSI है ये डिपेंड करता है कंप्लीटली पॉपुलेशन ग्रोथ पे। जिस जगह पर पॉपुलेशन ज्यादा होगी वहां पर जो FSI रहेगा वो ज्यादा रहेगा, और जिस जगह पर जैसे पॉपुलेशन आज कम है लेकिन फ्यूचर का ऐसा लग रहा है कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो बहुत ज्यादा है, FSI का जो बढ़ने का रहेगा वो डिपेंड करेगा पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर। तीसरे पॉइंट की हम बात करें तो वो है इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कि फ्यूचर में कौन कौन सी कंपनीज वहां पर आने वाली है। कोई हो सकता है बड़ा प्रोजेक्ट वहां पर आना हो, जैसे BHEL भोपाल में आई, ऐसे बड़ी बड़ी कंपनीज अगर वहां पर आने वाली है, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट का काम है, तो सीधी सी बात है वहां पर रोजगार ज्यादा होगा और जितने भी लोग हैं बाहर से वो आकर के उसी शहर में रुकेंगे तो डेफिनेटली फ्यूचर में वहां का FSI जो होगा वो इंक्रीज करेगा। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, फ्यूचर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज, मतलब कि इसमें फ्यूचर में कौन कौन से डेवलपमेंट हो सकते हैं। जैसे अगर कोई बड़ी कंपनी वहां पर आ गई है तो अच्छे स्कूल्स अच्छे कॉलेजेस बनेंगे, तो सीधी सी बात है पॉपुलेशन वहीं आके जो है अट्रैक्ट होगी। तो ये मैंने बात की FSI के बारे में, फ्लोर स्पेस इंडेक्स के बारे में। अब मैं हल्का सा आपको बता देता हूं फ्लोर एरिया रेशियो के बारे में। ये एकदम सिमिलर होता है FSI के ही जैसा होता है जो हमारा फ्लोर एरिया रेशियो होता है, बस इसमें क्या होता है कई जगह परसेंटेज में दे दिया जाता है। जैसे यहां पर FSI दिया है सपोज 1 से लेके 4 तक का FSI दिया है, तो मतलब वहां पर जो होगा वो 100% से लेके 400% तक का दिया हुआ है, मतलब जो आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो वो 100% कर सकते हो या 400% कर सकते हो। तो ये होता है हमारा फ्लोर एरिया रेशियो, और जो फ्लोर स्पेस इंडेक्स है ये लगभग सिमिलर ही है। तो आई होप आपको ये वीडियो जो है वो बहुत पसंद आया होगा और आपको फ्लोर स्पेस इंडेक्स और फ्लोर एरिया रेशियो इसके रिगार्डिंग आपको जितने भी डाउट्स होंगे वो सारे के सारे डाउट्स
क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। और आप इसी से रिलेटेड बिल्डिंग बायलॉज की और भी चीज़ों से रिलेटेड जितनी भी चीज़ों के बारे में आप अगर जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करिए, मैं वहां पर आता हूं कमेंट पढ़ने के लिए, ताकि मेरे को पता चल पाए कि आप लोग आगे कौन सी वीडियोस देखने वाले हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो यार जो लाइक का बटन आपके सामने दिख रहा है उसको प्रेस कर दीजिए, और जो सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन दिख रहा है उसको भी हिट कर दीजिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि इसी टाइप के नॉलेज वाले वीडियोस हम आप सभी लोगों के लिए लेके आते रहते हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।